सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। और आप सब देख ही रहे होंगे, आज के सुबह मैं आप सब लोगों के साथ शुरू कर रही हूँ। सुबह के बजे थे 5 और इस समय बहुत अंधेरा सा था। धीरे धीरे जब रोशनी हुई तो मैंने शूट करना स्टार्ट किया। पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि चांद भी यहाँ पर निकल रहा था। सबसे पहले मैं उठते ही भगवान को नमन करती हूँ कि भगवान धन्यवाद, आपने मुझे एक और सुबह दिखाई। उसके बाद में छत पे आके सबसे पहले मैंने पानी पिया, और मैं डेली जैसे योगा करती हूँ तो वो योगा के लिए मैंने सबसे पहले पानी पी के योगा की शुरुआत की। और आप सब देख रहे हो, बहुत ही शांति मिलती है जब हम सुबह सुबह चिड़िया चहक रही हो और एकदम सूरज उदय ना हुआ हो उस टाइम पे आते हैं और उदय होते सूरज को देखते हैं। मैं यहाँ पे अपने योगा मतलब सारी एक्टिविटीज़ कर रही हूँ। आज आप देखेंगे कि मेरा पूरा दिन कैसे बीतता है। मिनी व्लॉग मैंने बनाने की कोशिश करी है कि किस तरह से मैं मतलब एक जॉब में होते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। आप सबको पता है कि आई एम ए गवर्नमेंट लेक्चरर, तो उस तरह से कैसे मेरी लाइफ बीतती है, क्योंकि ट्रांसफ़र दूर मतलब ड्यूटी दूर है तो दूर हमें रहना पड़ता है परिवार से दूर, और यहाँ पे मोस्टली अकेले ही रहना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत कम संसाधनों में और बहुत ही रूरल एरिया है हमारे मेरी जहाँ पोस्टिंग है, लेकिन उसमें भी हमें इतनी शांति मिलती है, यहाँ पे असीम शांति मिलती है। कैसे लाइफ जीती योगा करने के बाद में मैंने यहाँ पे चाय बनाना स्टार्ट किया, और कि सबसे पहले पानी फिर चाय, और चाय लेके फिर मैं चली जाऊँगी छत पे, और छत पे जाके मैं चाय के साथ ही उगते हुए, अभी भी सूर्य नहीं उगा था, देख सकते हो आप, अभी भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा था। और क्योंकि पहाड़ों में मेरी ड्यूटी है तो यहाँ पे सूर्य उदय थोड़ा सा लेट दिखता है, मतलब दिखता नहीं है सूर्य। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छी सतगुरु जी की बुक पढ़ते पढ़ते अपने दिन की शुरुआत करी, और मैं हमेशा ऐसे ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और इसके बाद में आपके लिए कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए हैं, तो यू कैन एन्जॉय। ब्रश करने के बाद में मेरा काम होता है खाना बनाना, क्योंकि मैं मेरा टिफ़िन खुद ही बना के लेके जाती हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ छाछ, और उसके बाद में मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, 7:30 के स्कूल है, जल्दी जल्दी खाना तैयार किया अपना। आलू की सब्ज़ी है, सैलड है, और बूंदी का रायता और पराठे, ठीक है। और खुद ही सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। आप लोगों को लगता है जॉब लगने के बाद में लाइफ ईजी होती है, तो बिल्कुल भी ईजी नहीं होती। अकेले रहना भी बहुत मुश्किल होता है, परिवार से दूर रहना भी बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने अपना टिफिन जल्दी से पैक कर लिया, और ये सब मैंने अपना बैग भी पहले ही पैक करके रख दिया, क्योंकि नहाने के बाद भी बहुत गर्मी लगती है, तो मैं पहले टिफिन बना के बैग वैग पैक करके और उसके बाद में जाने जाती हूँ। और इसके बाद में हमारा बिल्कुल देसी घर है, मतलब क्योंकि आपको पता है ड्यूटी ऐसे एरिया में है, तो उसके बाद में बस स्कूल जाती, बहुत कम मोमेंट कैप्चर कर पाई मैं, लेकिन फिर भी।
किया हमें तैयार हो गए। मैंने कैप्चर किया एक वीडियो कि मैं स्कूल जिस तरह से जाते हैं हम, और यहाँ मैं घर से निकल रही हूँ, ये मेरे स्कूल का रास्ता है, बहुत ही पास में स्कूल है, वहीं पे मैंने घर ले रखा है। ये मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ, स्कूल के गेट पे हमने बड़ा मिरर लगा रखा है, तो उस पर मैंने कैप्चर किया। थोड़ी देर बाद में चाय आ जाती है, हम कंप्यूटर का कुछ वर्क कर रहे थे, और आपको बताया चाय इज़ माई फेवरेट, तो हमने कहा चाय मैं सुकून से बैठ के पीती हूँ, चाहे कितना भी ज़्यादा काम हो। उसके बाद में हमें कुछ एनवायरमेंट के लिए, जागरूकता के लिए बच्चों से एक्टिविटीज़ करवानी थी। बहुत कम बच्चे अभी आते हैं स्कूल में, तो हमने वो सब करवाई। उसके लिए भी मैंने छोटा सा वीडियो कैप्चर करवा लिया। हमारे स्कूल का सबसे छोटा बच्चा है, ये भी पेड़ों में पानी दे रहा था, और स्कूल से आने के बाद में मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत काम होता है, चैनल से रिलेटेड भी और पर्सनल भी। तो रात को खाना खाने का मन नहीं था, तो मैंने एक अच्छा सा खरबूजा काटा और अमरस बनाया और वही पिया, और थैंक गॉड खरबूजा मीठा था, मैं खुश हो रही थी। और ये मेरा पूरा आज का दिन था। आई होप दोस्तों आपने मेरी व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर ऐसे ही व्लॉग आप और चाहते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।